दोस्तों, साल 1973 में एक फिल्म आई थी जिसका नाम चलाक था। इसमें अभिनेता किरण कुमार ने बतौर लीड एक्टर अपना अभिनय सफर शुरू किया था। पर किरण कुमार के अलावा इनमें दो अभिनेत्री भी थीं, अलका और राधा। आज हम राधा उर्फ राधा सलूजा को याद करेंगे। चलाक फिल्म का ये गीत बहुत मशहूर है, दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, ये सच्चा प्यार है मेरा प्यार ले। इस गीत में किरण कुमार के साथ जो अभिनेत्री दिख रही हैं, उसी का नाम राधा है। दिल का नजराना ले ओ दिलदार ले, ये सच्चा प्यार है। खैर, हमारे तमाम दर्शकों को ये बताने की आवश्यकता नहीं है कि राधा सलूजा ने कौन से फिल्मों में काम किया था, क्योंकि भले ही आज के नवयुवक के लिए राधा सलूजा का नाम अनसुना रहेगा, पर एक जमाना ऐसा भी था जब इनकी गिनती सफल अभिनेत्रियों के सूची में आता था। वैसे तो राधा सलूजा का फिल्मी जीवन जितना छोटा है, उतनी ही उनकी कहानियां छोटी हैं, क्योंकि फिल्म जगत को छोड़े हुए उन्हें बहुत साल बीत चुके हैं। रीता सलूजा उर्फ राधा का जन्म 11 मई 1954 को पंजाबी हिंदू परिवार में हुआ था। बहुत कम लोग जानते हैं कि उनका परिवार फिल्म जगत से जुड़ा हुआ था। उनके परिवार के सदस्य एचएल सलूजा 50 के जमाने के फिल्मकार हुआ करते थे। राधा की बड़ी बहन रेनु सलूजा जानी मानी फिल्म एडिटर थी तथा कुछ फिल्मों में उन्होंने अभिनय भी किया था। मशहूर फिल्मकार विधु विनोद चोपड़ा के साथ रेणुका रिश्ता रहा था, पर उनसे तलाक लेने के बाद फिल्मकार सुधीर मिश्रा के साथ रेणु ने दूसरी शादी की थी। आपको बता दूं कि राधा उम्र के लिहाज से रेणु से छोटी थी, पर सबसे पहले राधा ने ही फिल्म जगत में पदार्पण किया था। अपने शुरुआती दिनों में राधा सलूजा इतनी प्रसिद्ध नहीं थी, पर साल 1971 में दो राह फिल्म रिलीज हुई थी जिसमें अनिल धवन और शत्रुघ्न सिन्हा के साथ राधा भी थी। इसी फिल्म के बाद उनका नाम मशहूर होने लगा। हालांकि चलाक उस जमाने की फ्लॉप फिल्म थी, पर इसके पहले राधा सलूजा ने अपना असली नाम का उपयोग करके दो फिल्में की थी, 1967 की मोहब्बत और जंग, उसके बाद 1969 की राखी राखी। फिल्मों में भी राधा ने अपने अभिनय का जलवा पेश किया था। आज की ताज़ा खबर मन जीते जग जीते, दुख भंजन तेरा नाम, हार जीत, एक मुट्ठी आसमान, मोरनी, सांझे मौत, इन हिट फिल्मों में राधा सलूजा ने अच्छा अभिनय किया था। एमजी रामचरण, एनटीआर और रजनीकांत जैसे साउथ इंडियन हीरो के साथ भी उन्होंने स्क्रीन शेयर किया था, पर 90 का जमाना लगने के बाद राधा ने सिनेमा जगत से संन्यास लेने का फैसला किया। उनके इस फैसले की वजह कोई नहीं जानता, पर हो सकता है कि उन्हें फिल्मों के ऑफर मिलना बंद हो गए होंगे, इसलिए अमेरिका शिफ्ट होने का फैसला लिया होगा। अमेरिका में घर बसाने के बाद राधा ने एक रेडियो होस्ट समीम जैदी से शादी कर ली। इसके बाद अभिनय से पूरी तरह से संन्यास लेने के बाद वे लॉस एंजलिस कोर्ट में जॉब भी करने लगी। इंडिया टुडे को दिए एक इंटरव्यू में राधा सलूजा बताती हैं कि जब मैं कोर्ट में सलवार कमीज पहन के आती हूँ तो सबकी निगाहें मुझ पर चढ़ जाती हैं, पर जब कोई इंडियन मुझे देखता है तो एक मुस्कान उनके चेहरे पे झलकने लगती है।